विनोद जी, रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी से कह रहे हैं माफी मांगो। सवाल यह है कि राहुल गांधी को माफी मान लेनी चाहिए या कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी दल, उनके पास वो अभी इसी भरोसे थे कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा, वहां नोटबंदी गलत साबित हो जाएगी और उसके बाद हम राजनीति करेंगे, या आज भी चिदंबरम जी जो बयान दे रहे हैं कि एक डिसेंटिंग जजमेंट के सहारे उनकी पार्टी बयान दे रही है, क्या नोटबंदी को लेकर अगर वो जो जज साहिबा ने कहा है, नागरत्नम ने, उन्होंने कहा है कि साहब इससे जितनी तकलीफें लोगों को हुई, जो परेशानियां हुई, प्रॉब्लम्स हैं, इसका अंदाजा रिजर्व बैंक को नहीं था, इससे लगता है कि उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, जो केंद्र सरकार ने उनसे कहा वो करते चले गए। ये बात विपक्ष के दल आम आदमी को, जिसको वास्तव में तकलीफ हुई, वो उसको उसकी तकलीफ याद दिलाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्या क्यों ये नौबत आ रही है कि आज भी केंद्र के जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़े नेता खड़े होके विपक्ष से माफी मांगने को कह रहे हैं, बजाय इसके कि विपक्ष खड़ा हो, घेरे और इस देश की जनता सरकार से कहे कि आओ भाई माफी मांगो, आओ उस चौराहे पे जिस चौराहे का वादा था। देखिए आलोक जी, अशोक बागरिया जी ने और डॉक्टर मल्होत्रा जी ने और राजेंद्र तिवारी जी ने इतने विस्तार से नोटबंदी पर चर्चा कर ली है कि उसमें बहुत कुछ आगे कहने के लिए शेष रहता नहीं है। लेकिन इसलिए मैं खाली इसके राजनीतिक पहलू की बात करूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक पत्रकार हूं और राजनीति से परे कोई चीज होती नहीं। आपको आमंत्रित इसलिए किया है कि, और आपका सवाल भी जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आप हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा मैं उससे कुछ सहमत हूँ। दरअसल राहुल गांधी माफी मांगे क्यों मांगे? राहुल गांधी ने कभी नोटबंदी के तरीके पर सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी ने हमेशा कहा नोटबंदी विफल साबित होगी, पहले दिन से ही शुरू कर दिया, और नोटबंदी के जो परिणाम जो मल्होत्रा जी ने गिराए लगभग राहुल गांधी वही कहते रहे कि नोटबंदी से जो है अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरेगी, नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी, नोटबंदी से लघु छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग उनकी कमर टूट गई, ये सब राहुल गांधी ने कहा। और आतंकवाद की बात अभी राजेंद्र तिवारी जी ने बताई दी, ब्लैक मनी की बता दी। तो राहुल गांधी माफी, अब राहुल गांधी का मानो माफी मांग ले अलग बात है, उनका फैसला है, मांगे ना माने, लेकिन भाई तो फिर उस हिसाब से तो फिर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि क्योंकि 2G में तो कोई घोटाला साबित ही नहीं हुआ। 2G में तो कोर्ट का फैसला है ना, ये राजा बरी हो चुके हैं भाई पूरी तरह से, और कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस साहब ने कहा, जज साहब ने अलग सुप्रीम हायर कोर्ट तक गया नहीं मामला, लेकिन जिस ट्रायल कोर्ट पे ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई हुआ ही नहीं घोटाला, उसके बाद तो कोई अपील नहीं किसी भी आई ने ना उसके, तो फिर तो माफी विपक्ष को मांगनी चाहिए। पूरे बोफोर से पूरा विपक्ष माफी मांगे, वीपी सिंह के पर्ची लिए घूम रहे थे कि इसमें नाम है हमारे जो दलालों के जिनके अकाउंट पैसे गए हैं, हम सब भी उनकी बात मान करके उस समय जो है बिल्कुल राजीव गांधी के खिलाफ लिख भी रहे थे, बोल भी रहे थे। उसके बाद जो बोफोर्स का पूरा फरार, आज तक बोफोर्स में किसी को सजा नहीं हुई, पूरा जो है लगा करके जो है सब हो गया। तो माफी मांगने का सिलसिला जो है वो, फिर माफी मांगने का सिलसिला कहाँ शुरू होगा? फिर वो खाली नोटबंदी से थोड़ी चलेगा, फिर तो जितने आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचार के दूसरों पर और साबित नहीं हुए, या इस तरह जो है वाजपेयी जी के समय जो वो हुआ क्या कहते हैं तहलका वाला, उसमें कुछ कई मामले साबित नहीं हुए, तो उस समय का विपक्ष माफी मांगे, तो फिर तो माफीनामे लिखे जाएंगे देश में। और माफी को लेकर हमारे देश में इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है इसी आजादी के आंदोलन के समय से, इसलिए माफी तो मुझे नहीं लगता कि ये तो खैर राजनीतिक बयान है रविशंकर जी का। और हमेशा सरकार या जो भी दल जब फैसला उनके हक में आता है या हक में भाई हक में तो आप मान ही सकते हैं कि जो प्रक्रिया का सवाल जो उठाया जाता था उस प्रक्रिया को सही माना है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने। अब रही बात डिसेंट जजेस की, तो बात जैसे अशोक जी ने कहा कि हम जस्टिस खन्ना के बयान को भाई जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को जो है डिबार किया, उनके इलेक्शन को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा का नाम लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम कोई नहीं लेता जिन्होंने इंदिरा उस फैसले को पलट दिया था। और हर मामले हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट था, यही सुप्रीम कोर्ट था, और तब हम जगमोहन लाल सिन्हा की बात करते हैं, तो अजीब मतलब सेलेक्टिव हो जाते हैं। और यही जस्टिस खन्ना की हम लोग दुहाई, पूरा विपक्ष जस्टिस खन्ना की बात मानता रहा और बाद में, तो इसलिए जिसको जो सूट करता है वो उसकी दुहाई देता है। जहां तक राजनीति की बात है तो राजनीति नोटबंदी को लेकर के पहले दिन से शुरू, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे टेलीविजन पे आगे कहा कि रात को 12 बजे से ये नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे, राजनीति तब से ही शुरू हो गई थी। और
फिर उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय मुझे दीजिए, 50 दिन का समय दीजिए, और उसके बाद जिस चौराहे पर कहोगे मैं आ जाऊंगा। ये सारे बयान राजनीतिक थे, ये कोई इसमें कोई वो नहीं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में जो 2017 में चुनाव हुए विधानसभा के नोटबंदी के बाद, तो सब चुनाव में आप देखिए नोटबंदी का बाकायदा डंका पीटा गया। हर भाषण में कहा गया कि गरीब को जो है हमने सेठों को जो है लाइन पे लगा दिया, बड़े बड़े धन्ना सेठ लाइन में लग गए। हालांकि एक भी धन्ना सेठ लाइन में मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, राजेंद्र जी को दिखाई पड़ा तो पता नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा धन्ना सेठ लाइन में लगा हुआ। हमें तो गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के लोग, नौकरी पेशा लोग, हमारे आपके जैसे लोग लाइन में लगे। हम भी लाइन में लग के 2,500 रुपए निकालते थे। हमारी तो बेटी की शादी थी उस समय जब जब नोटबंदी लागू हुई है, 15 दिसंबर को शादी हुई मेरी बेटी की, और 8 दिसंबर नोटबंदी लागू हुई। तो कैसे शादी की हमें मालूम है, हम तो एक तरह से भुक्तभोगियों में है उसके उस फैसले के। तो सवाल ये है, और हमारे हम तो चलो फिर भी कुछ पत्रकारिता में थे, संपर्क थे, तो किस तरह निभा ले गए, शादी हो गई सब। लेकिन बाकी कितने लोगों की शादियां कैसे रद्द हुई, कितने लोग, करीब 147 लोग तो लिस्टेड हैं जिनकी लाइन में लग करके जाने गई। तो अब वो चीजें जो है तो उसके लिए कौन माफी मांगेगा, तो उन जानों कोई कीमत नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया से सही थी, प्रक्रिया सही थी, मान लिया हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, उसका जो है सम्मान करते हैं। विपक्ष क्यों नहीं उठा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए विपक्ष की जहां तक बात है, आज की तारीख में विपक्ष है कौन, विपक्ष है कांग्रेस मुख्य रूप से, और राज्यों में क्षेत्रीय दल है जो जो खुद कई जगह सत्ता पे है, वहां वो सत्ता पक्ष है। ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता पक्ष है, नीतीश कुमार यादव जो है, नीतीश कुमार जो है बिहार में सत्ता पक्ष है, जगन रेड्डी बाकी जो है क्षेत्रीय दल वहां सत्ता पक्ष है। वो उनकी अपनी अपनी सबकी जो है दबी हुई है पूछ, तो ज्यादा वो कैसे मुद्दा बनाए इसको। उन्होंने कहा हो गए, रात गई बात गई वाली बात हो गई, जब हो गया यार हो गया, आगे बढ़ो। कांग्रेस ने कोशिश की इस मुद्दे को, राहुल गांधी ने तो हर बयान नोटबंदी का उठाया मुद्दा, और इन सारी चीजों जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी इसको लगातार कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, ये बात बिल्कुल सही है कि इन मुद्दों पर, कि अभी कल तक आतंकवाद की घटना हमारे सामने, कश्मीर की पूरे आंकड़े आपने राजीव जी ने दिए, ब्लैक मनी की स्थिति हमारे सामने है, कितने कन्नौज में छापा पड़ा, कितने करोड़ पकड़े गए, 200-250 करोड़, कहां जहां कहीं 200 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं 50 करोड़ पश्चिम बंगाल में मंत्री के 50 करोड़ ज्यादा पकड़े गए, तो करोड़ों रुपए पकड़ा जा रहा है, तो ब्लैक मनी भी वैसे कर रही। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के भाजपा के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, खुद ही डिमांड कर रहे हैं 2000 का नोट बंद कर दो तब ब्लैक मनी खत्म होगी, यानी वो मान रहे हैं कि ब्लैक मनी। तो सवाल ये, ब्लैक मनी भी आप उस पर, उन्हें नकली करेंसी की बात भी लोग कर रहे हैं, नकली नोट भी चल रहे हैं। तो जो उद्देश्य थे वो अगर पूरे नहीं हुए, और इसीलिए 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पॉइंट्स बनाए थे अपनी उपलब्धियों के, उसमें नोटबंदी का जिक्र नहीं था। आप उठा करके उनका जो है वीडियो देखिए जो प्रचार वाला था, उसमें बाकी सारे मुद्दे थे लेकिन नोटबंदी का जिक्र उसमें नहीं था। और ये सवाल मैंने खुद पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी से कि नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं है इसमें, जो आपका पूरा उपलब्धियों वाला हुआ है। तो अब सवाल यह है कि जब भाजपा ने ही उसको छोड़ दिया, आज वो भले अपनी पीठ थपथपा रहे हो, देखिए सही था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम भी मान रहे सही था, हमारी तो कानूनी समझ वैसे भी इतनी नहीं है या आर्थिक समझ, हम तो राजनीतिक बात करते हैं, ठीक, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाद अब उस पर कोई सवाल नहीं प्रक्रिया को लेके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परिणामों के बारे में कोई फैसला थोड़ी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि उसके बाद इकोनॉमी एकदम लहला गई, आतंकवाद खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई, नकली करेंसी खत्म हो गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं है। उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया जो उनका पॉइंटेड वो था संवैधानिक पीठ थी कि भाई ये प्रक्रिया जो है सही थी कानूनी रूप से, एक डिसेंटिंग जज ने अपने तरीके से कहा और बाकी चार ने कहा, तो ठीक है प्रक्रिया सही थी प्रक्रिया। लेकिन कई फैसले होते हैं जिनकी प्रक्रिया सही होती है लेकिन उनके नतीजे जो होते हैं कई बार बहुत घातक साबित होते हैं। तमाम पूर्व सरकारों के कई ऐसे फैसले रहे जिनकी प्रक्रिया सही थी लेकिन नतीजे उनके जो है नुकसानदेह थे, तो क्या उन पर सवाल नहीं उठेगा, खाली प्रक्रिया से ही थोड़ी सवाल, तो नतीजों से। तो राजनीति तो अभी इस पर और होगी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी टीम, उसके प्रचार और करना चाहिए। मैं इसमें भाई अगर उनके पक्ष में कोई बात आई है तो वो जाहिर है उसका प्रचार करेंगे, वो उसका वो सब वो बार बार ये कहेंगे कि जैसे साहब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अब नोटबंदी पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं, ये बार बार कहा जाएगा। और अगर कोई उठाएगा तो तुरंत कहा जाएगा आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अभी हमें कोई प्राइमा फैसी सबूत ऐसे नहीं मिले हैं कि इस पर कोई मुकदमा चलाया जाए, लेकिन ये नहीं कहा कि भविष्य में अगर कभी कोई सबूत मिलता है तो हम मुकदमा नहीं चला सकते, ये नहीं कहा उस फैसले। लेकिन
भाजपा ने कहा कि भाई हमें क्लीन चिट मिल गई राफेल में, तो राफेल की चर्चा नहीं होती है। तो ये सवाल है कि विपक्ष जो है इस फैसले के बाद नोटबंदी को लेकर के जो हमला सत्ता पक्ष की तरफ से होगा विपक्ष पर या सवाल उठाने वालों पर, उसका मुकाबला कैसे करता है? क्या वो सिर्फ एक डिसेंटिंग जज के बयान को लेकर के ही या उनके ऑब्जर्वेशन है उनके जजमेंट को लेकर ही आगे तीर चलाएगा? उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि तो प्रक्रिया का मामला, डिसेंटिंग जज ने भी प्रक्रिया की बात कही है, उनके हिसाब से प्रक्रिया का पालन सही ढंग से नहीं हुआ। तो लेकिन चार कह रहे हैं सही हुआ, तो वहां तो विपक्ष जो है अगर उसको आधार बनाएगा खाली तो उसे पिट जाएगा। विपक्ष अगर उनके परिणामों को लेकर के सरकार से सवाल पूछता है कि चलिए प्रक्रिया सही थी, नतीजे जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, छोटे उद्योगों को लेकर, लघु उद्योगों को लेकर के, और पूरा उस पर अगर हम सरकार करता है हमला, जो मौतें हुई, जो लोग शादियां कैंसिल हुई, जो लोगों के तमाम, उस पर अगर सवाल पूछेगा सरकार से, तब सरकार के लिए भारी पड़ेगा जवाब देना। ये विपक्ष की रणनीति कैसी हो ये विपक्ष होते करना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।